नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूँ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं समाज सेवी पुष्पा जी। उनसे हम बात करेंगे कुछ समाज के विभिन्न ऐसे विषयों पे जिन पे चर्चा होती ही नहीं, और चर्चा होती भी है तो कहीं ना कहीं वो कागजों में ही सिमट के रह जाती है। तो बस आज उन्हीं विषयों पे हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। सबसे पहले पुष्पा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। एक विषय, निर्वाचन अभी चुनाव नजदीक है राजस्थान में और बहुत ज्यादा ज्वलंत विषय बना हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? वसुंधरा जी का था 2% यूडीएच के अंदर हम लोग को रिजर्वेशन दिया गया। अब यूडीएच के अंदर का मैं रिजर्वेशन दिया गया, पहले मेरा मूलभूत अधिकार ही मेरे पास नहीं है, मेरा वोट देने का अधिकार नहीं है, जिससे मैं जाकर के उस सरकारी गवर्नमेंट की स्कीम्स को ले पाऊँ। तो मेरा मूलभूत आधार जो रेजिडेंस वोटर आईडी अधिकार है 18 साल के, वही मेरे पास नहीं है, तो मैं उन सेवाओं को लेने के लिए कैसे जाऊँगा? तो हमने निर्वाचन आयोग को अप्रैल में एक लेटर दिया था कि हमारे समाज का भी वोटर आईडी बनना चाहिए, पर अप्रैल से लेकर के अभी आज अगस्त आ चुका है, वो सिर्फ फाइलें कागजों में ही हैं। और एक उन्होंने भी कल परसों एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसे समाज से पुष्पा माई की मदद ली जाए। अब आप बताइए कि बीएलओ मेरी मदद, उसको जरूरत पड़ेगी तो मदद लेगा, जरूरत नहीं है। उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं था कि फोर्सफुली कि इन समाज को आपको इंक्लूडिंग करना ही है, ऐसा कहीं निर्देश जारी नहीं था कि साहब आपको पुष्पा की मदद लेनी है, पुष्पा आपको ले। अब हो सकता है बीएलओ की मदद जरूरत पड़े, बीएलओ मेरी बात क्यों मानेगा? अभी से समाज को जब नेग्लेक्ट किया जाता है, तो बीएलओ ने नेग्लेक्ट ही किया है। तो अगर सपोज मान के चलिए मेरा नाम पुष्पा और मेरी आईडी बनी है फीमेल के नाम से, तो बीएलओ बोले, बीएलओ से बोल दिया साहब मेरी बनी हुई है, बीएलओ टिक मार्क लगा दिया, तो बीएलओ उसकी ट्रांसजेंडर आईडी क्यों बनाएगा? जब ये तो मैं फोर्स करूंगी साहब उसकी टीजी बने, इसकी टीजी आईडी बने, इसकी रॉन्ग आईडी बनी हुई है। तो जब तक रिसोर्स पर्सन को कुछ एक पावर या एक उसको निर्देश अनुसार कुछ कुछ डेग्निशन नहीं दी जाएगी, या उसमें कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि साहब मेरे को आदेश है कि मैं आ जाकर के कलेक्टर से मीटिंग कर सकूं या कर सकूं। अभी भी आईडी का जो आपका मसला है वो पूरी तरह नहीं सुलझा है, कहीं ना कहीं कागजों में ही उलझ के रह गया है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी अभी तक बन भी नहीं पाई है, ऐसी कुछ समस्या आपके सामने? देखो, समस्या कईयों की है। जैसे आप ये मान के चलो आज मुझे कहीं मकान लेना है, उस मकान का किराया अगर 3,000 है तो उस किराया मुझे 6,000 रुपये वसूल देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आईडी नहीं है, मेरे को दूसरे की आईडी के यूज़ करना पड़ता है, मेरे को टर्म्स और कंडीशन महसूस करनी पड़ती है, मुझे अपना बैंक का अकाउंट तक नहीं खुलाना पड़ता। मुझे ये इवेंट हूँ, मुझे अगर मोबाइल की सिम लेनी है तो वो भी मैं किसी और की ब्याह पर ले सकती हूँ, अपने ब्याह पर नहीं ले सकती, क्योंकि आधार कार्ड भी ये कहता है कि जब तक अपना कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड भी नहीं बन पाता, क्योंकि उसके लिए आधार कार्ड के लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार कार्ड भी नहीं बन पाता। तो एक ये बड़ी समस्या है कि मकान का रोजी रोटे, अगर कहीं मैं जॉब करने जाती हूँ तो मेरे को मेरा आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, तो वो मेरे पास है नहीं। मैं कहीं सफ़र करती हूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं, मैं बिना टिकट के सफ़र करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं चाहे हेल्थ को लेकर के लिए जाए, चाहे कहीं भी चीज़ को गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर की बात करी जाए, तो कहीं भी मेरे को उस वोटर आईडी का फायदा। पुष्पा जी, सरकार ने कई बार दावे किए कार्ड बनवाने के, इसके अलावा अगर देखें सड़कों पे भी देखें तो दीवारों में भी बाकायदा पूरा पुतवाया गया है कि कार्ड हमने जारी किए और अपने लिए एक जो तारीफ होती है, लेकिन हकीकत क्या है? आप हकीकत हमें बताइए कि हकीकत में क्या आप लोगों को कार्ड मिले? राजस्थान के अंदर ट्रांसजेंडर्स का जो हमने 2011 का आंकड़ा नापा था वो 16,000 समथिंग था, पर 2013 के अंदर मैं यूएनडीपी के साथ मिलकर हमने एक मैपिंग करी थी, उसमें आंकड़ा करीब 22,000 का रिव आया था 2011-2012। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014 के अंदर जब आया तो वो आंकड़ा मिलकर के 75 से 1 लाख रुपए हो गया, क्योंकि 2013 के अंदर जब हमने आंकड़ा नापा था 22,000 था, तो हमने उस समय 18 साल के लोग काउंटिंग किए थे, 18 साल के काउंटिंग नहीं किए थे। अब ये जो 15 साल का था 18 साल का आते आते तो उसके 18 साल की एज हो ही नहीं है, और जो 12 साल के तो करीबन 75 से 1 लाख पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर्स लोग की है। तो 2016 के अंदर में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जनगणना के लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी कार्ड के लिए हमने एक मुद्दा उठाया था, जिसको CM ने अप्रूवल कर दिया था, मंत्री जी ने अप्रूवल कर लिया था, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमेटी भी गठित हो गई थी, पर अभी तक भी वो फाइल समाज कल्याण डिपार्टमेंट में लग रही है। कलेक्टर साहब को जब हमने कहा कि साहब ये फाइल को, बोले साहब समाज कल्याण डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा,
समाज कल्याण डिपार्टमेंट जिला अधिकारी डिसाइड करेगा। तो एक तो ये डिपार्टमेंट को पता नहीं है कि ये बेसिकली निश्चित कौन करेगा, तो सिर्फ ये कागजों में ही हम लोग भाग दौड़ी लगा रहे हैं कि जब तक इस कम्युनिटी की जनगणना नहीं होगी, एक आंकड़ा नहीं होगा, तब तक लगता है कि मुझे पता है कि वोट बैंकर है ही नहीं, कि काउंटिंग साहब इतने लोग हैं, 500-700 लोग हैं। जब ये 75 से 1 लाख लोग हैं तो अभी तक सरकार क्या इस हमें समाज का हिस्सा नहीं मान रही है, या हम समय में हमें जीने का अधिकार नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं तो प्रश्न उठता ही है सरकार के लिए। इसके अलावा कई समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं, और भी कई परेशानियां हैं जो आप फेस करते हैं। आपने कई बार शिकायत करने की भी कोशिश की, शिकायत देने की भी कोशिश की, आपने अपनी आवाज़ उठाई है समाज की, किस तरह की समस्या रही और कहां कहां तक आपने ये बात पहुंचाने की कोशिश की है अभी तक? देखो, हमने कई बार कई डिपार्टमेंटों में बात करी है। डिपार्टमेंट पहली बार तो अवेयर ही नहीं है। हमारा बोर्ड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन चुका है 2016 के अंदर। 26 अगस्त 2016 को अंदर ही समाज कल्याण डिपार्टमेंट एक मीटिंग गठित हो चुकी है, जिसमें मंत्री जी इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उसके वाइस प्रेसिडेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयंती मोहंती जी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अभी तक हमारे वेलफेयर बोर्ड बनने के बाद में भी समाज के लिए अभी भी एक बड़ा सा सवाल है कि वो समाज का हिस्सा है या नहीं है, जबकि वेलफेयर बोर्ड बनने के बाद में समाज का वो हिस्सा बनना बहुत जरूरी था। और 2 साल के अंदर भी अभी हमारा वेलफेयर बोर्ड ने कोई वर्क नहीं हुआ है, और ना तो ये देखा जाए कि अभी तक हम लोग देखे तो हमारे लिए कोई ऑफिस ही नहीं है, वेलफेयर बोर्ड का कोई ऑफिस नहीं है जहां हम जाकर के अपनी बात रख सके, जहां हम सा करके अपनी काउंसलिंग का सेंटर खोल सके। अभी देखो कितने नगर निगम ने इतना सारा वर्क किया, यूडीएच ने किया, कहीं हर जगह टॉयलेट्स बनाए, पर कहीं ट्रांसजेंडर्स के लिए टॉयलेट नहीं बनाया गया। वो बेचारा कहाँ जाएगा कि मेल में जाए फीमेल में जाए? तो कहीं भी आपने देखो इतने सारे टॉयलेट्स बने हैं तो कहीं भी ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं बने। नगर निगम ने इतने शेल्टर होम स्टार्ट करे, पर ट्रांसजेंडर्स कहीं हमने शेल्टर होम का सर्वे किया तो कहीं भी शेल्टर होम में ट्रांसजेंडर्स के लिए शेल्टर होम नहीं था, उसमें सिर्फ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सरकार, स्टेट सरकार नहीं कर रही है, उल्लंघन है? अगर सरकारी जॉब की बात करी जाए तो हमारे यहाँ पर भी ओबीसी में देखा जाए तो ओबीसी की कैटेगरीज को काउंट किया जाए तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी में ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि सबसे पहले जाति निर्देश में जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में काउंट किया तो ओबीसी के अंदर ट्रांसजेंडर्स भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें भी आपको ट्रांसजेंडर्स नहीं दिखे। अगर वो बोर्ड जो अभी गठित किया गया है उसमें बाकायदा मीटिंग्स अगर होती तो कितना फायदा पहुंच सकता था आप लोग? देखो, मैं जितना जानती हूँ, अगर ये वेलफेयर बोर्ड का कमिटी रिसोर्स पर्सन के अंदर होता तो मेरा दर्द मैं जानूँ, दूसरा क्या जाने मेरा दर्द। तो एक वो चीज कहा था कि कमिटी का रिसोर्स पर्सन अगर इसमें होता तो 4 तो नोडल ऑफिसर चेंज हो गए, 3 तो अपने डिप्टी डायरेक्टर्स चेंज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव ट्रांसफर्स या कुछ चीज़ें हुई हैं, तो वापस से रीसेंसिटाइज करना, वापस से उनको बताना कि ट्रांसजेंडर्स लोग कौन हैं, फिर वापस से फाइल को पुटअप करना, और ये चीज़ें जो हो रही हैं, और कहीं ना कहीं कहीं तो बदलाव एक सेंसेशन नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स को समझ नहीं पाए लोग बात कि ये भी समाज का हिस्सा है, सिर्फ नाच गाना ही हमारी ज़िंदगी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से जो हमें वंचित किया गया है और भी मूलभूत सुविधाएं हमारी हैं जो हमें मिलनी चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, आम आदमी की समस्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके अलावा मकान की है। तो अभी यूटीएच ने 2% का रिजेक्शन दिया है, पर 2% का रिजेक्शन के साथ में इतनी सारी कंडीशंस हैं, क्या उस कंडीशन को ट्रांसजेंडर फॉलो कर पाएगा? क्या वो अपना इनकम टैक्स प्रूफ कहाँ से लाएगा, इनकम प्रूफ कहाँ से लाएगा? वो तो एक जो बधाई के हिसाब से अपना जीवन व्यापन कर रहा है, वो अपना कैसे प्रूफ लेके आएगा साहब मेरा ये? और उसके लिए भी आईडी की जरूरत होगी पहले। सब क्या है, मेन जो मेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आईडी है, बिना आईडी के कुछ काम नहीं हो सकता। एक मॉनिटरिंग बिल्कुल जो होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक जो योजना बननी चाहिए वो नहीं बनाई गई। योजना बनाई नहीं गई है। योजना में सबसे पहला जो काम था वो आइडेंटिटी कार्ड का था, जिसको अभी तक नहीं किया गया है। RLDC ने स्किल डेवलपमेंट ने बहुत अच्छा सा निकाला, ट्रांसजेंडर्स के लिए सेपरेट सेंटर्स की स्टार्ट करी, बहुत अच्छी बात करी, पर वहीं पर अगर सेंटर की आज सुविधा लेने जाना है तो वह एक थंब वाला स्टाफ है, तो अगर मेरे पास आईडी नहीं है मैं थंब कहाँ से लगाऊंगी? मेरा आइडेंटिटी कार्ड वहाँ डिपॉजिट होगा
तो वो सुविधाएं भी ट्रांसजेंडर लोग नहीं ले पा रहे हैं। उसके अलावा अभी जैसे खाद्य सुरक्षा हमने भी निकाला कि एकल महिला योजना था, तो आप ये बताइए, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, मेरे पास एक पीजी आईडी कार्ड नहीं है, वोटर आईडी चलो है, पर अगर मैं 12 साल के, मुझे भी खाद्य सुरक्षा चाहिए, तो मेरे पास टीजी कार्ड ही नहीं है, मैं खाद्य सुरक्षा कैसे ले पाऊँ? मैं पेट के लिए तो खाद्य सुरक्षा ले भी नहीं पाऊंगी। उसके अलावा अगर सपोज हमने चाहे कि यूटीएच के खाद्य सुरक्षा के अलावा कोई भी स्कीम्स है सरकार की, मानते पेंशन योजना भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है स्कॉलरशिप के लिए, तो मेरी आइडेंटिटी कार्ड में स्कॉलरशिप लेकर के एजुकेशन कैसे ले पाऊँ? तो वो भी नहीं है मेरे पास। कुछ दिन पहले शिशु गृह में एक बच्चा छोड़ा गया था, उस बच्चे को जब छोड़ा गया तो उसके पास में एक लेटर मिला, हालांकि लेटर में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था, लेकिन इतना था कि शायद वो बच्चा ट्रांसजेंडर है, इसलिए उस बच्चे को वहाँ छोड़ा गया शिशु गृह में। कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ लगती है कि जब तक सरकार सोच नहीं बदलेगी, सरकार सख्ती नहीं करेगी, लोगों की सोच नहीं बदल सकती। एक जो समाज की सोच है उसे बदलने के लिए ज़रूरी है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है, मतलब एक जो विकसित होना चाहिए, जो एक विकास के लिए जो बातें की जा रही है वो वास्तव में हो। हाँ, समाज कहता है कि साहब ये नंग प्रदर्शन करते हैं, चिल्लाते हैं, सड़कों पर ताली बजाते हैं, या सेक्स वर्कर के लिए खड़े हैं, ट्रेन मांगते हैं, पर कहीं ना कहीं इनका कारण नहीं जाना गया। जिस दिन बच्चा फेंकना बंद हो जाएगा, जैसे अभी हम बात करें शिशु गृह की बात करी, जिस दिन बच्चा फेंका जाएगा तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। सरकार सख्ती में है कि जिस दिन अगर मुझे मूलभूत आधार मिलने जाएंगे तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। आज रेलवे बोर्ड ने बीच में एक आदेश लाया था किन्ना ट्रेन मुक्त होगा, तो क्या ट्रेन में जो बोगीज हैं चाहे उन पर अटेंडेंट में ट्रांसजेंडर्स को लगाया गया, या कहीं उनके हाउसकीपिंग में ट्रांसजेंडर्स को लगाया क्या, कहीं रेलवे स्टेशन पे जो छोटी छोटी कैबिन्स होती हैं उनका ट्रांसजेंडर को रोजगार दिया गया? उनसे रोजगार तो छीना गया पर उनके रोजगार दिया नहीं गया। जब तक हम किसी को रोजगार दे नहीं पाते उनको छीने का अधिकार भी हमारा नहीं होना चाहिए ना, ताकि आज वो क्या करेगा, फिर वो अपना बदन बेचेगा 50 या 100 रुपए के लिए सिग्नल पे खड़ा होकर बदन बेचेगा, तो वो कहीं ना कहीं एसटीआई एचआईवी के अवेयरनेस में आकर के उसको, क्योंकि अवेयरिंग देखो बहुत सारा है कि मुझे पेट पालना तो है, कोई मुझे अपने घर पे बर्तन मांजने के लिए नहीं रखेगा, मैं चला करके अपने घर में पीछे वाली गली में भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो मुझे समाज का डर है, मेरे माँ बाप की इज्जत का डर है ना, तो वो जब चला करके बच्चा वहां नहीं जाएगा तो अपना पेट कहाँ से पालेगा? चोरी तो करेगा नहीं, डाका डालेगा नहीं, तो अपना बदन पेच करके अपना काम चला रहा है, तो वो भी समाज की घृणा में वो घृणित है। पर समाज ने कभी नहीं कहा इसका कारण क्या है, कारण नहीं जाना, उसकी जो मूलभूत जरूरत है वही पूरी नहीं हो रही, वो नहीं जानने की कोशिश की। अब जल्दी ही एक अखाड़ा भी है आप लोगों का, जहां आगे का रणनीति तय की जाएगी, क्या कुछ रहना है और क्या कुछ उसमें? तो मैं राजस्थान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हमारे समाज का भी हिस्सा होना चाहिए, और अभी हम लोग 10 तारीख को हमारे ऑल ओवर राजस्थान के किन्नर अखाड़े के जो पदाधिकारी हैं या जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, तो हम लोग 10 तारीख को एक मीटिंग डिसाइड करने वाले हैं। उसमें ये तय करने वाले हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्टों में या स्टेटों के अंदर कौन कौन अपना भागीदारी चुनाव में लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, वो एक पूरी मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ बहुत कुछ सरकार से मिल चुकी है, पर ये चुनाव जो हमारी सरकार है या कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारी वहाँ जगह बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज को उठाव का एक और मौका मिलेगा। एक आखिरी सवाल, सरकार से कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं, क्योंकि इन 4-5 सालों में काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी चीज़ों की मांग की, क्या कुछ हाथ लगा, ऐसा कुछ लगा कि हमारे हाथ लगा? देखो बहुत कुछ तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ चीज़ें लगी भी हाथ है, ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ नहीं लगी हैं, कि जैसे हमें स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ऑर्डर्स तो निकाल दिए हैं, बहुत अच्छी बात है ऑर्डर्स निकले हैं, और हमें सरकार का धन्यवाद भी देना चाहिए कि मेरी जरूरतों को पूरा किए गए, पर मेरी जरूरतों के साथ जो मेरा मूल आधार चाहिए था, मुझे जिस चीज़ की जरूरत है वो मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मेरा मूल आधार, इसीलिए नाराजगी भी है, मतलब खुशी भी है और नाराजगी भी है, ये कहेंगे 50-50 है कि मेरा, मुझे मिल तो सब कुछ रहा है, मतलब देखा जाए हलवाई की दुकान है पर वो मिठाई पैसे ले नहीं, मेरे पास वो पैसे नहीं मिठाई ले सकूँ, वाला हिसाब हो गया कि आपने लॉलीपॉप तो दिखा दिए सारे, पर उसको खरीदने के लिए मेरे पास जो वोटर आईडी है वो नहीं है, डिसलाइक वाला हिसाब। तो वो वोटर आईडी मेरे को उस स्कीम को एग्जर्ब करने के लिए मेरे पास वो वोटर आईडी या टीजी आईडी कार्ड नहीं है जिसके साथ मैं वो ले पाऊँ।
आपको देने के लिए बहुत सी योजनाएं दी गई, लेकिन उनका लाभ कितना मिल रहा है वो हकीकत में आने के बाद पता चलता है, इनसे बात करने के बाद पता चलता है। ऐसे में ट्रांसजेंडर्स की जो एक समाज में स्थिति होनी चाहिए, उन्हें जो दर्जा मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल पा रहा है। ज़रूरी है कि इनके लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनको मॉनिटरिंग की जाए और उन्हें जिस हिसाब से चलाया गया है, जिसके लिए चलाया गया है, उन्हें उसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।